अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर अक्टूबर में परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक बात और आपको बता दें, हजारों बच्चे फेल हो सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट आपके सामने ला रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही जरूरी अपडेट है कि बीएड में दोस्तों जो प्रवेश के लिए काउंसलिंग थी उसको निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जब बीएड का पेपर कराया गया था 9 अगस्त 2020 को, तो उस समय दोस्तों यूपी में आपको पता था जैसे कि शनिवार और रविवार दोनों दिन लॉकडाउन रहता था, उसके कारण लगभग 70,000 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। आप इसको सोचिए, 70,000 बच्चे ऐसे थे जो पेपर देना चाहते थे, फॉर्म भरा था लेकिन दे नहीं पाए। ये दोस्तों सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ। सबको ये बात पता थी कि दोस्तों जो इनकी काउंसलिंग है वो फिलहाल सितंबर में नहीं हो पाएगी। इसका रीजन क्या था कि आपको पता फाइनल ईयर का पेपर अभी तक हो नहीं पाया है। कहीं कहीं दोस्तों हो चुका है तो उनका रिजल्ट नहीं आया, कहीं कहीं अभी हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सरकार चाहती तो दोस्तों जो बीएड का प्रवेश परीक्षा था उसका एग्जाम अगस्त में ना लेकर सितंबर में लेते, तो कोई भी बच्चे पेपर छोड़ते ना। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे छोड़ देते लेकिन इतनी बड़ी संख्या में तो ना छोड़ते ना कि 50,000-70,000 बच्चे पेपर छोड़ देते हैं। ये दोस्तों गलत नीतियों के कारण ऐसा होता है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर डीएलएड पेपर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए छात्रों को यहाँ आपको मतलब सितंबर में बताया जाता है कि आप प्रमोट हो गए हैं। अब दोस्तों उसके बाद अक्टूबर में एक महीने के बाद ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर ये पहले भी दे सकते थे, आज से 1 से 2 महीने पहले जब UGC की गाइडलाइंस आई थी तभी दोस्तों ये खबर दी जा सकती थी उसके तुरंत 1 से 2 हफ्ते के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों कल DLED का भी पेपर होगा अगले महीने, उसके बाद भी देखेगा यहाँ पर बच्चों की लाइन लग जाएगी फेल होने वालों की। देखिए बच्चे तो अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ ऐसी ही है। देखिए हम लोग सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। ये दोस्तों 2018 बैच के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बार बार इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये वो बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया था, जिनको कम से कम DLED का पेपर का एक्सपीरियंस तो था ना कुछ कि पेपर कैसे आता है, क्या होता है। जब दोस्तों इस पेपर में 54,000 से अधिक बच्चे फेल हुए थे, देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है, 95,000 बच्चे पास भी हुए थे ये भी ठीक है, लेकिन 54,000 बच्चे फेल होना ये बड़ी संख्या थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब पेपर होगा DLED का, तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ बच्चे तो फेल हो सकते हैं ना, तो फिर एक महीने में कैसे तैयारी होगी। तो यहाँ पर सरकार को इस बात को सोचना चाहिए था कि अब एक महीने में कैसे बच्चे तैयारी करेंगे और क्या क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में पेपर होना 100% कन्फर्म है। देखिए सरकार की तरफ से आपने दोस्तों खुद ही देखा था जो बयान है, तो उसके हिसाब से यही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद ही मतलब इसको कन्फर्म किया है कि DLED का जो पेपर होगा वो अक्टूबर में होगा। तो मतलब आपके पास सिर्फ एक महीने का समय है, या एक महीने से कम का भी समय हम कह सकते हैं, क्योंकि आज सितंबर की 14 तारीख हो चुकी है, तो समय आपके पास बहुत ही कम है और उसमें पेपर भी होने वाला है। तो कैसे होगी तैयारी उसको देखेंगे, लेकिन एक और अपडेट आती है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अब आपने DLED करके लाखों रुपये फंसा दिए। जी हाँ दोस्तों, DLED करें चाहे BEd करें, सब कुछ अब बेकार हो गया है, क्योंकि जो सरकार की नई पॉलिसी आ रही ना, 5 संविदा वर्ष की संविदा वाली प्रक्रिया पर विपक्ष ने लिया हमला। जानिए क्या कहते हैं विपक्ष के सपा, कांग्रेस और आप पार्टियों के लीडर। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उपवास कर रहे हैं शिक्षक। सोचिए दोस्तों, जो टीचर हैं बेचारे, उनको उपवास करने की नौबत आ गई है। जैसे पुराने पहले समय में पेंशन मिलता था, अगर वो मिलने लगे तो कोई देखिए दिक्कत यहाँ नहीं है, लेकिन दोस्तों सरकार ने पेंशन को ही बंद कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं होगा। ठीक है, पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की सरकार की तैयारी। सोचिए दोस्तों, आप पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगे। सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत ये होती है ना कि आपके सर पर हमेशा एक तलवार रहेगी कि आपकी नौकरी बचेगी कि चली जाएगी, कुछ नहीं कन्फर्म होगा। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया ना, तो शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो पॉलिसीज बनती है, जो एक्सपर्ट टीम बनाती है, अगर उनमें कहीं खामियां हैं तो वही हम लोग का काम होता है दोस्तों, उसको बताया जाए। सभी दोस्त इसीलिए देखिए ट्विटर पर भी अभियान चला था कि बीएड की जो परीक्षा थी, एंट्रेंस एग्जाम था, उसको कैंसिल कर दिया जाए। अगर दोस्तों वो कैंसिल हो जाता तो कितना बेहतर रहता। देखिए पेपर इन्होंने कैंसिल नहीं किया, लेकिन दोस्तों मतलब दे रहा है दुरुस्त है, वही हुआ ना कि अब ये काउंसलिंग को दोस्तों निरस्त कर दिए। मतलब जो ये काउंसलिंग अभी फिलहाल 21 सितंबर से होने वाली थी, अब दोस्तों इसकी डेट को बढ़ा दिया गया, अब ये काउंसलिंग अक्टूबर में होगी।
तो कुल मिला के छात्रों का नुकसान ठीक ठाक वाला हो चुका है। यही पेपर दोस्तों अगर सितंबर लास्ट में या सितंबर में करा लिया जाता तो कितना बेहतर होता। जिन बच्चों ने पेपर छोड़ा था, कम से कम वो बच्चे पेपर ना छोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन में पेपर देना बिना लॉकडाउन में दोनों में काफ़ी अंतर है। तो कितना नुकसान हो रहा है। वैसे दोस्तों डीएलएड छात्रों के ऊपर भी आ गया है कि अब क्या होगा डीएलएड छात्रों का। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने आपका पेपर होने वाला है, उसके बाद दोस्तों सरकार की नई नीति आ जाती है कि आप पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब ये बयान आया था सरकार को, उसके बाद देखिए क्या हुआ। सपा मुखिया अखिलेश ने दी 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी। उसके बाद कांग्रेस की प्रियंका बोली, नहीं छीनने देंगे युवाओं का आत्मसम्मान। जी हाँ दोस्तों, आप इतनी मेहनत करते हैं टीचर बनने के लिए, अगर उसके बाद भी मतलब आपके अलग से परीक्षा ली जाएगी तो वो क्या सही है या गलत, इसका दोस्तों निर्णय आप खुद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या अपडेट्स हैं, इसको जरा हम आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग निरस्त हो गई है, तो आगामी अक्टूबर माह में आयोजित की जाएगी। अगर आपके घर में भाई बहन दोस्त यार हैं तो उनको ये अपडेट दे दीजिएगा। देखिए अब सबसे बड़ी बात है ना कि नई नौकरी वालों का हर 6 माह पर होगा मूल्यांकन, होगी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, मान लेते आप नई नौकरी कैसे ना कैसे पा लेते, उसके बाद क्या क्या होगा, हर 6 महीने पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज आपको यह समझना है कि सरकार आपका 6 महीने पर टेस्ट लेने वाली है, ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या दोस्तों, इसको भी पहले हम इस वीडियो में देखेंगे। आप दोस्तों टीचर की नौकरी कब पाते हैं, आपको पता है कितने आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, समझिए पहले। अगर आप दोस्तों आज के दिन प्राइमरी शिक्षा के असिस्टेंट टीचर बनने वाले हैं, सहायक अध्यापक बनने की सोच रहे हैं, तो कितने पापड़ बेलने हैं पहले इसको देखते हैं। पहले दोस्तों आपके हाई स्कूल के परसेंटेज जोड़े जाते हैं, उसके बाद इंटर के परसेंटेज जोड़े जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका आता है ग्रेजुएशन की बारी, ग्रेजुएशन के परसेंटेज जोड़े जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका डीएलएड के परसेंटेज जोड़े जाते हैं, अगर डीएलएड करें तो डीएलएड, नहीं तो बीएड करें तो बीएड के परसेंटेज जोड़े जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको टीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट की आपको परीक्षा देना है, उसके बाद दोस्तों आपको मिलती है टीचर की नौकरी। अब जरा गिनिए दोस्तों कितने राउंड से होकर आप गुजरे हैं। पहले हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाएंगे, देखिए सबका यहाँ पर 10% इसका नंबर लिया जाता है। अभी दोस्तों आप ऐसे तो आप कहेंगे आप अच्छा एक भी पढ़े तो दो भी पढ़े तो इससे हम मतलब नहीं है, क्योंकि आपके नंबर कहाँ कहाँ जोड़े जाएंगे टीचर बनने के लिए। हाई स्कूल के 10%, इंटर के 10%, ग्रेजुएशन के 10%, डीएलएड या बीएड के 10%, उसके बाद सुपर टेट का 60%, सबको जोड़कर होता है 100%। ऐसे दोस्तों मिलती है आपको नौकरी। कितने राउंड हो गए जरा इसको हम गिन लेते हैं। ये दोस्तों हाई स्कूल पहला राउंड हुआ, इंटर दूसरा राउंड, ग्रेजुएशन तीसरा राउंड, डीएलएड चौथा राउंड, टीईटी की परीक्षा 5वां राउंड और सुपर टेट की परीक्षा 6ठा राउंड। सोचिए दोस्तों 6 राउंड के बाद आपको मिलती है एक सरकारी नौकरी, जहां पर आपको सैलरी मिलती है तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, कल आप एक संविदा कर्मी बन जाएंगे तो ये 50,000 से दोस्तों 0 हटा दीजिए, हो जाएगी आपकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8,000 हो जाएगी, 7,000 और क्या, कुछ ऐसी सैलरी हो जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है ना कि संविदा कर्मी को जो सैलरी मिलती है वो एक संविदा कर्मी की जैसे ही मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों आप एक परमानेंट व्यक्ति की तुलना कभी संविदा कर्मी से मत करिएगा, ना ही वो करने योग्य है, ये बात आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों नियम इतने ज़्यादा बदल दिए जा रहे हैं कि समझ के सबके बाहर है। अगर ऐसा नियम बन गया तो आपका डीएलएड करना, बीएड करना सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत करके लाखों रुपए फंसा के, देखिए समय कितना बर्बाद होता है इसको समझिए ना। ग्रेजुएशन आपने 3 साल या 4 साल का किया, उसके बाद 2 साल का डीएलएड किया, उसके बाद 1-2 साल लग जाते हैं टीईटी परीक्षा ये सब पास करने में, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है, उसके बाद 5 साल और आप संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। कितनी बड़ी लाइफ होती है इंसान की, पूरी जिंदगी दोस्तों क्या आप ऐसे ही रहेंगे, मतलब गजब यार यहाँ पर। ठीक है, एक और अपडेट देखेंगे कि आप एनपी ने परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं विपक्ष ने आखिर क्या कहा है, आपकी आवाज को कैसे रखा गया। 5 संविदा वर्ष की संविदा वाली प्रक्रिया पर विपक्ष ने किया हमला, ठीक है। जानिए क्या कहते हैं विपक्ष के सपा, कांग्रेस और आप पार्टियों के लीडर। देखिए भाजपा ठेका प्रथा लागू करना चाहती है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अपडेट आई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अब युवाओं के विरोध में आ गई है, समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। देखिए गाइस, ये सिर्फ टीचर की बात नहीं हो रही है, यह हर एक वैकेंसी में हो जाएगा, जो ग्रुप बी की आती है, ग्रुप सी की आती है ना यूपी में, हर जगह ये नियम लागू हो जाएगा। फिर आप देखिए परेशान होंगे, ठीक है ना, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। परीक्षा में आए समूह ख और ग के कर्मचारियों को पहले 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा। भाजपा केवल अपने राजनीतिक विस्तार और सत्ता पर एकाधिकार को ही विकास मानती है। उन्होंने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से जब वे बच पाएंगे तभी पक्की नौकरी मिल पाएगी।
जी हाँ दोस्तों, मतलब 5 साल अगर आपको नौकरी मिलती भी है ना, तो आपको दोस्तों संविदा में भी प्रक्रिया में भी छटनी की जाएगी। अगर आप उससे बचें तभी पक्की नौकरी समझिए, नहीं तो फिर भूल जाइए कि आपको कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी तक भर्ती के लिए चयनित कर्मी को 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति मिलती है और उसे नियमित कर्मी की तरह वेतन या अन्य लाभ प्राप्त होते रहे। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये कि जो आपको नौकरी मिलती है उसमें कोई भी परमानेंट व्यक्ति है तो उसके तरह आपको वेतन और अन्य लाभ सारे मिलते हैं। लेकिन राज्य सरकार के नए नियम लागू होने पर चयनित कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य लाभ नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए, प्रियंका गांधी जी क्या कहती हैं, युवाओं को चुनौती दे रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही पे सिस्टम है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और प्रदर्शन को तय करने वाली सरकार अपने मंत्रियों की दक्षता मापने और कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न और बच्चियों के साथ रेप और हत्या को मापने का भी कोई पैमाना लाए तो प्रदेश की जनता उनको साथ हुआ देगी। जी हाँ दोस्तों, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है कि महिला उत्पीड़न होता है यूपी में। उन्नाव केस याद है ना आप लोगों को, बच्चियों के साथ रेप, क्या हुआ दोस्तों, फांसी मिल गई। तो आप लोग खुद ही, आपको पता होगा किनको किसको फांसी मिली है, ठीक है। देखिए, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव या भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसा आप कह रहे हैं, आप पार्टी तो बहुत फेमस है। राज्य मुख्यालय, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जो 5 साल के संविदा पर नियुक्तियों की साजिश रच रही है उससे युवाओं के शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में अधिकारी जो होंगे आपके ना ऊपर, मनमानी तरीके से उनसे काम लेंगे और उन पर नौकरी जाने की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। जो आपके दोस्त तो अधिकारी होंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि भाई अगर आप कुछ बोलेंगे तो सीधे बोल देंगे भैया ये काम आप नहीं कर पाते, इनको निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप परमानेंट कर्मचारी तो है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने सवाल उठाया कि इन 5 वर्षों के दौरान नियमित नौकरी की चाह में युवा अधिकारियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको गुलामी प्रथा में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। ये सब हो रहा है दोस्तों, अगर आप इन सब जानकारियों से दूर हैं तो कम से कम भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे और जो हो रहा है वो आप समझें। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में हमेशा फैसले गलत हो जाते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अगर ऐसा कोई फैसला आ गया तो छात्रों का नुकसान होगा, फायदा तो हमें कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले 5 साल आप संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे तो फिर समझ सकते हैं आप। क्योंकि देखिए यार, टीचर बनना कितना मुश्किल है, हमने आपके सामने रख दिया पूरी चयन प्रक्रिया, कैसे आप टीचर बनते हैं देख रहे हैं दोस्तों। आप इस लिस्ट को, हाई स्कूल आपने पास कर लिया, ठीक है, ऐसे थोड़ी नहीं टीचर आप बन जाते हैं कि सोचते हैं कि चलो ठीक है, सोकर उठे टीचर बन गए। इंटर के परसेंटेज, हाई स्कूल के परसेंटेज, ग्रेजुएशन के परसेंटेज, डीएलएड या बीएड के परसेंटेज, टीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई करना, सुपर टेट की परीक्षा को पास करना, तब जाकर आप एक टीचर बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद उनको भी लगता है कि नहीं भाई, इतनी प्रक्रिया के बाद भी आप भ्रष्टाचारी लग सकते हैं इनको, कि नहीं कुछ और करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल कोरोना की भी अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 93,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। टोटल संख्या 248 लाख को पार हो चुकी है कोरोना मरीजों की। अब तक मरने वालों की संख्या 79,754, 24 घंटे में 1,140 लोगों की जान गई। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश हर चीज़ में नंबर 1 चल रहा है। एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना भी हमारे देश में आते हैं, एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों की जान भी हमारे देश में जाती है, बाकी सबसे खराब देशों में से हमारा नाम आ चुका है, ठीक है ना। तो क्या अपडेट क्या चल रहा है इसको देखिए। नई नौकरी वालों का हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। देखिए, सरकारी नौकरी शुरू करने वाले हर कर्मचारी का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन किया जाएगा। नई नीति के तहत सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। इसका फायदा यह होगा कि धांधली कर नौकरी पाने वाले और अयोग्य कर्मचारी को बाहर किया जा सकेगा। देखिए, ये नीति इसलिए ला रहे हैं कि अगर कोई धांधली से पास हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे ना कुछ लोग धांधली कर लेते हैं, तो गाइस ये बताइए, जो धांधली कर सकता है इतने बड़े लेवल पर, तो क्या वो यहाँ पर धांधली नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंह ने कहा कि इस नियमावली को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर धांधली की बात करें ना, तो कोई कितनी बार धांधली कर ले रहा है तो हम उससे कह सकते हैं पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। अगर एक टीचर को धांधली करना पड़ेगा तो दोस्तों पहले वो अपने हाई स्कूल में 6% लाएगा, 90% ले आएगा, इंटर में भी धांधली करेगा वो बंदा टीचर की नौकरी पाने के लिए, ग्रेजुएशन में भी धांधली करेगा, डीएलएड बीएड में भी धांधली करेगा, टीईटी की परीक्षा में भी धांधली करेगा, सुपर टेट की परीक्षा में, मतलब अगर वो हर जगह धांधली कर लेता है तो फिर दोस्तों
कानून व्यवस्था कहाँ है कि अगर हर जगह कुछ लोग धांधली कर ले जाए, ठीक है ना। अगर आप एक किसी एक परीक्षा में लूप होल बताएं तो वो ठीक है, लेकिन आप हर जगह अब धांधली हो रही ऐसा तो हमें नहीं लगता होता है। आजकल CCTV की निगरानी में पेपर भी होता है। चलिए गाइस, हमने आपके सामने सच्चाई रखी, बाकी अब आपको देखना है कि क्या होगा, कैसे होगा। बाकी आप लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद रखिए, अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर मजा नहीं आने वाली नौकरी करने में, ठीक है। संविदाकर्मी बनकर आप रह जाएंगे 5 साल संविदाकर्मी की जॉब, उसके बाद देखिए DLED का पेपर भी फिलहाल अभी अक्टूबर में नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, होता है तो थोड़ी सी बुरी खबर आएगी, कुछ बच्चे फेल हो सकते हैं, क्योंकि एक महीने में तैयारी कर पाना सभी छात्रों के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए कुछ छात्र कर सकते हैं, मानते दोस्तों बहुत से छात्र कर लेंगे, लेकिन ये सच्चाई भी सबके सामने दोस्तों, जब इन छात्रों को पूरा समय दिया गया था 2018 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को, तो उनका रिजल्ट कुछ ऐसा आया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बारी आती 2019 बैच के छात्र, जिनको अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिए होते तो कम से कम इनके पास एक आइडिया होता कि कैसे पेपर लिखा जाता है, कैसे क्या करना होता है। एक दिन में 3 पेपर देना, एक दिन में 2 पेपर देना सबके बस की बात नहीं होती। ये फर्स्ट टाइम दोस्तों देंगे DLED 2019 बैच के छात्र, उनके लिए समस्या थोड़ी बड़ी है। अब बारी आती दोस्तों DLED 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों की, अगर इनका पेपर भी अक्टूबर में होता है तो इनके पास समय कम है। अगर यहाँ से वो फेल होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो नए शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कोई वैकेंसी 2020 के लास्ट में आती है या 2021 के शुरुआत में, क्योंकि बैक पेपर तो तुरंत होता नहीं है, सबको पता है कितना समय लगता है। तो बस यही सब चीजें। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, अपनी आवाज को बुलंद रखिए गाइस। बाकी देखिए जहां जहां गलतियां होती हैं सरकार से भी, तो हम आपके सामने रखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि BEd में जल्दबाजी में दोस्तों लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। देखिए 9 अगस्त को पेपर तो करा लिए एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन दोस्तों आज ये काउंसलिंग नहीं करा पा रहे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि एडमिशन होंगे ही नहीं, बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया फाइनल ईयर का, तो एडमिशन कहाँ से होंगे, वही बच्चे तो आके एडमिशन लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर उस पेपर को अभी कराया जाता, बाद में कराया जाता तो कितना बढ़िया होता, सभी छात्रों को कम से कम मौका तो मिलता है ना। जो छात्र नाराज हैं, दुखी हैं कि हमें मौका ही नहीं मिल पाया, हम पहुँच नहीं पाए सेंटर तक, कोरोना की दिक्कत थी, गाड़ी नहीं मिली, बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, अब उनकी क्या गलती है, ठीक है गाइस, ये सब होता रहता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप आने वाले टाइम इसको आप हमेशा फेस करते रहेंगे, तो गोदी मीडिया से सावधान रहिएगा। बस फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।